नमस्कार, HSDM ब्लॉग की तरफ से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। ये स्लो मोशन में चर्चा और ये आयरन लेडी यानी भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का बुत जो क्रीज पे लगा है। आज मैं आपको इमीरा फूड का निवेदन जो कि क्रीज पर लगा है उसकी कुछ झलकियां दिखा रहा हूं। ये लोग आप सभी को सूचित किया जाता है कि इस परिसर में देश के विभिन्न जिला के प्रत्येक जिला के तरह तरह के पारंपरिक व्यंजन आप लोगों के लिए परोसे जा रहे हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इसका दृश्य भी बहुत खूबसूरत है। ये स्टॉल लगे हैं जिला में और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि इन फैलाओं द्वारा तैयार किए गए हैं। एक अनाउंसमेंट हो रही है जो कि आपको सुनाई दे रही हो। रिच शिमला का एक बहुत ही सुंदर स्थान है और जब भी टूरिस्ट आते हैं वहाँ अवश्य घूमते हैं। ये महिलाओं द्वारा बनाए गए व्यंजन जो लोग बहुत यहाँ पर हिमाचल के सिड्डू ये भोजन कांगड़ी धाम मक्की की रोटी और सलाद पूछा जाता है। इसे लोग बहुत पसंद करते हैं और बड़े चाव से खाते हैं। यहाँ लोग बातचीत भी कर रहे हैं और इसके बाद अपना ऑर्डर देते हैं और व्यंजनों का आनंद लेते हैं। बहुत ही सुंदर हिमाचल के विभिन्न जिलों से आई हुई महिलाएं उन्हीं के द्वारा बनाए हुए एक व्यंजन लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। पिछले वर्ष भी हिमीरा फूड कार्निवल यहीं इसी स्थान पर मनाया गया था जो कि एक आकर्षण का केंद्र है सभी के लिए। बहुत मेहनती होती हैं ये महिलाएं, हिमाचल की पहाड़ी महिलाएं, और पहाड़ी बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। ये मक्की की रोटी दी जा रही है देखिए, और इसके साथ साग और घी भी इसमें डालेंगे ये, और बहुत ही जोर से लोग खाते हैं और बहुत ही स्वाद व्यंजन है। ये साग जो है बहुत ही स्वाद बनता है, यहाँ पहाड़ों में प्रसिद्ध है पहाड़ी साग, पहाड़ी सरसों का साग। ये महिलाएं किन्नौर से हैं, इन्होंने टोपी लगाई है, आप देख सकते हैं। इनके पास कोदे से बने और जो कोदा का अनाज होता है मोटा अनाज में आता है व्यंजन तैयार किए हैं। वो खुश है, बड़ा बर्तन है, इसे टोकना कहते हैं हिमाचल में। इसमें चावल या सब्जी बनती है बहुत ही स्वाद। इतने अच्छे से परोसा जा रहा है व्यंजन, लोग पहले उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब हम बाहर रिज पर आ गए, ये महात्मा गांधी का स्टेच्यू है। यहाँ कॉर्पोरेशन में एक फाउंटेन बनाया है जो कि आपको दिख रहा है, बहुत ही सुंदर है। लोग यहाँ खड़े होकर फोटो भी उतारते हैं और
इस झरने का आनंद लेते हैं, गर्मियों में तो ये और भी सुंदर लगता है। इतना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर पेड़ लग रहा है। ये रिज नाम है, रिज मैदान यानी पहाड़ों में ऐसा मैदान मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ यहाँ जरूर घूमते हैं बच्चे, और ये बच्चे स्कूल से छुट्टी हुई घर की तरफ जा रहे हैं। सामने घोड़े हैं और अपने ग्राहकों का घुड़सवारी का इंतजार कर रहे हैं। सामने तिरंगा है, भारत का तिरंगा, एक देश का तिरंगा लहरा रहा है रिज पर। बहुत ही सुंदर वक्त, बहुत ही सुंदर दृश्य है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य। तिरंगा, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मेले के अंदर जा रहे हैं, व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं, और फिर बाहर आते हैं और फिर रिज पर घूमते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। और महिला के द्वारा कार्यक्रम इन महिलाओं के लिए क्या क्या छुट्टियां हैं, क्या क्या वो अपने अधिकार हैं जान सकते हैं। अब हम फिर अंदर आए हैं और ये बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर दृश्य है ब्रिज का। बच्चे, जवान, लड़कियां, युवा, युवतियां सब यहाँ घूमती है और यहाँ फोटो भी खिंचवाती है। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें, आपको वीडियो कैसा लगा, और आप इसमें हमें सलाह भी दे सकते हैं इसको अच्छा करने के लिए कुछ, और आप अपने कोई मांग भी रख सकते हैं, कोई वीडियो आप देखना चाहेंगे चल का या के आसपास का, तो हम आप लाइव भी दिखाएंगे और रिकॉर्डिंग करके भी दिखाएंगे। धन्यवाद।